हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की, और इस डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम देखेंगे 21 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हु हैज स्वार्म इन एज चीफ मिनिस्टर इन झारखंड। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रघुवर दास, गौरव वल्लभ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हेमंत सोरेन जो है झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है हेमंत सोरेन ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, और सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची, और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी। द सेकेंड प्रीमियम तेजस ट्रेन विल रन बिटवीन विच सिटीज। दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली जयपुर, मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अहमदाबाद से मुंबई दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन चलेगी अहमदाबाद और मुंबई शहरों के बीच। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच 17 जनवरी 2020 से चलेगी। इस ट्रेन का उद्घाटन अहमदाबाद में 17 जनवरी 2020 को किया जाएगा, और पहली तेजस ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के मध्य शुरू की गई है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है, कश्मीर के मुद्दे पर OIC की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। Where will the OIC meeting be held on the Kashmir issue? सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सऊदी अरब में कश्मीर के मुद्दे पर OIC की बैठक का आयोजन किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी रिजल्ट की बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर OIC बैठक बुलाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक का आयोजन अप्रैल 2020 में पाकिस्तान द्वारा किया जाएगा, और मार्च 2019 में पहली बार भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर OIC विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस्लामी सहयोग संगठन OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है जिद्दा सऊदी अरब में। सदस्य देश है इसके 57। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है, साइबर अपराध रोकने के लिए किसने नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव पारित किया है। हुज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। पहला ऑप्शन है G77, G20, संयुक्त राष्ट्र, नाटो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त राष्ट्र जो है साइबर अपराध रोकने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव पारित किया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके रिजल्ट की बात करें तो साइबर अपराध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रूस द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को 193 सदस्य महासभा ने पारित किया, और पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी जिसमें विश्व के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
परीक्षा के दृष्टि से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और मुख्यालय है, मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देशों की संख्या 193। आधिकारिक भाषाएं हैं 6 जो कि अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश है। तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 5वां क्वेश्चन है, कब से रुपे कार्ड और UPI से लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। सिंस वेन विल द मर्चेंट डिस्काउंट रेट नॉट बी चार्ज ऑन ट्रांजेक्शन फ्रॉम रुपे कार्ड एंड UPI। पहला ऑप्शन 1 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020 और 1 मई 2020। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और UPI से लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके डिटेल्स की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से रुपे कार्ड और UPI से लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान सुविधा पर लगने वाला शुल्क मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR 1 जनवरी से रुपे कार्ड और UPI से लेन देन पर नहीं लगेगा। MDR किसी व्यापारी द्वारा ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने पर बैंक को दिया जाने वाला शुल्क है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 6वां क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहला ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी डिटेल्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के सम्मान प्रदान किया है। इस सम्मान की स्थापना भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधी राज गोविंद फाल्के के नाम पर 1969 में की गई थी, और इससे पहले यह सम्मान 2017 में अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था, यानी 2017 में अभिनेता विनोद खन्ना को दिया गया था। अब 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया अमिताभ बच्चन को। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 7वां क्वेश्चन है, किस मठ के प्रमुख विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी का निधन हो गया है। विच मोनेस्ट्री चीफ विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी हैज पास्ड अवे। वेलोर मठ, पेजावर मठ, शारदा मठ, द्वारका मठ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पेजावर मठ के प्रमुख हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी जी का निधन हो गया, एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इसके रिडल्स की बात करें तो पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी जी का निधन हो चुका है, और पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी जी 88 वर्ष का 29 दिसंबर को उडुपी स्थित श्रीकृष्ण मठ में निधन हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने स्वामी के निधन पर 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की अधिकतम आयु सीमा क्या तय की गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ डिफेंस स्टाफ। पहला ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 65 वर्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की अधिकतम आयु सीमा जो है 65 वर्ष तय की गई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी रिडल्स की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम सीमा 65 वर्ष की आयु तक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अभी सेना प्रमुख अधिकतम 62 वर्ष यानी तीन वर्ष के कार्यकाल दोनों में से जो पहले आता हो। अभी सेना प्रमुख अधिकतम जो है 62 वर्ष या 3 वर्ष के कार्यकाल दोनों में से जो पहले आता हो तक के पद पर रह सकते हैं, और CDS का पद 4 स्टार जनरल के बराबर होगा। CDS अपना पद छोड़ने के बाद किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते। तो ये है इस प्रश्न, ये 3 नहीं है 30 वर्ष होना चाहिए, ये 30 वर्ष है, ठीक है, 3 नहीं है, आपका 30 वर्ष के कार्यकाल दोनों में से जो पहले आता हो अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 9वां क्वेश्चन है, किस देश के तेजस गेंदबाज
पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विच कंट्रीज फास्ट बॉलर पीटर सीडल हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। अब पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके रिडल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 35 साल के सीडल ने 67 टेस्ट में 221 विकेट लिए। सीडल ने 2008 में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मोहाली में खेला था। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 10वां क्वेश्चन है और यह आपका अंतिम क्वेश्चन भी होगा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता है? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज ओन द टाइटल ऑफ एट द वोमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? पहला ऑप्शन है बी अधिबान, आर प्रागनानंदा, पृथु गुप्ता, कोनेरू हम्पी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोनेरू हम्पी जो है भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोनेरू हम्पी। अब इसके रिडल्स की बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने रूस के मास्को में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में चीन की लेई टिंगजी को टाई ब्रेकर में हराकर खिताब जीत लिया है। हम्पी मौजूदा प्रारूप में रैपिड खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने 2017 में ओपन वर्ग में यह खिताब जीता था। पुरुषों का खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो यह है इस प्रश्न का, यानी कि महिला में जो है आप याद रखें, महिला में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने जीता और पुरुषों का खिताब जो है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें और जो भी आपको सुझाव देना आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।